हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। आज के इस वीडियो में PSSSB क्लर्क के लिए पंजाब हिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट 2 है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पंजाब क्लर्क के लिए, PSSSB क्लर्क के लिए पंजाब हिस्ट्री से सबसे पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स लेड द स्वदेशी मूवमेंट इन पंजाब। तो पंजाब में जो स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था उसको किसके द्वारा चलाया गया था, कौन उसे लीड कर रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, आपका लाला लाजपत राय के द्वारा उसे लीड किया जा रहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि द रूलर ऑफ पंजाब ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। तो जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ था उस वक्त रूलर ऑफ पंजाब कौन थे? तो सेकेंड एंग्लो सिख वार के वक्त जो पंजाब के राजा थे या रूलर जो थे वो थे, आपके पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दलीप सिंह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उस वक्त जो पंजाब के रूलर थे वो कौन थे? दलीप सिंह थे। और जो दलीप सिंह थे ये महाराजा जो रंजीत सिंह थे उनके सबसे छोटे बेटे, यंगेस्ट सन थे, ठीक है ना। ये महाराजा रंजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे कौन, सबसे छोटे बेटे थे कौन? दलीप सिंह। और ये 5 साल की उम्र में जो थे गद्दी पर बैठ गए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑनर्ड एज द शेक्सपियर ऑफ पंजाब। तो शेक्सपियर ऑफ पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, वारिश शाह को। तो वारिश शाह जो है उन्हें शेक्सपियर ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हु इज ऑल्सो नोन एज द शेर ए पंजाब और लायन ऑफ पंजाब। तो शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है या फिर लायन ऑफ पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा महाराजा रंजीत सिंह को, ठीक है। तो महाराजा रंजीत सिंह को शेर ए पंजाब या फिर लायन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज द फोक डांस ऑफ वुमेन इन पंजाब। विच इज द फोक डांस ऑफ वुमेन इन पंजाब। तो पंजाब में जो वुमेन उनका कौन सा फोक डांस है? तो इसका सही आंसर होगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, गिद्दा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर ऑफ पंजाब ऑन बिहाफ ऑफ तिमूर या फिर तैमूर। हु वाज द गवर्नर ऑफ पंजाब ऑन द बिहाफ ऑफ तैमूर। तो तैमूर के बिहाफ पर गवर्नर का पंजाब पंजाब के गवर्नर कौन थे? वो थे खिजर खान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वो कौन थे? खिजर खान थे। और खिजर खान वाज द फाउंडर ऑफ, खिजर खान कौन थे? वो थे सैयद डायनेस्टी के फाउंडर थे। खिजर खान वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, डैश इज अ वोकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब। डैश इज अ वोकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक कौन सी है फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब से? तो वोकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक है कौन सी? तापा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तापा जो है वो वोकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक है कौन से स्टेट की? पंजाब स्टेट की। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, इन विच ईयर द फेमस पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट वाज पास्ड। तो कौन से साल में पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट जो था वो पास किया गया था? कौन से साल में ये पास किया गया था? इन विच ईयर वाज द फेमस पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट जो था वो पास किया गया था? तो ये किया गया था आपके पास ऑप्शन नंबर सी, 1900 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये पावर में कब आया था, इफेक्ट में कब आया था? 1901 में आया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पंजाब व्हेन द फर्स्ट एंग्लो सिख वार टुक प्लेस। तो जब पहला एंग्लो सिख वार हो रहा था उस वक्त पंजाब के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पंजाब कौन थे? व्हेन फर्स्ट एंग्लो सिख वार टुक प्लेस, तो उस वक्त पंजाब के प्राइम मिनिस्टर थे कौन? लाल सिंह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंग्लो पंजाब वॉर एंडेड विद विच अमंग द फॉलोइंग टेरिटरीज। तो फर्स्ट एंग्लो पंजाब वॉर जो था वो खत्म हुआ था कौन सी ट्रीटीज के साथ? तो ट्रीटी ऑफ लाहौर के साथ ये खत्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट एंग्लो जो पंजाब वार था वो ट्रीटी ऑफ लाहौर के साथ जो था वो खत्म हुआ था। और
फर्स्ट एंग्लो पंजाब वॉर का अगर टाइम ड्यूरेशन पूछेगा तो 1845 से लेके आपका 1846 तक। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट नॉन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्ड पंजाब इज इन द राइटिंग्स ऑफ डैश। द फर्स्ट नॉन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्ड पंजाब जो था इज इन द राइटिंग ऑफ डैश, किसकी? इबन बतूता। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट नॉन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्ड पंजाब इज इन द राइटिंग ऑफ इबन बतूता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, बाउंड्री कमीशन फॉर पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल वॉज अंडर। तो जो बाउंड्री कमीशन था फॉर पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल वॉज अंडर, वो किसके अंडर में था? तो इसका सही आंसर होगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, सर साइरल जॉन रेडक्लिफ। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, व्हेन डिड ब्रिटिश एनेक्स पंजाब। व्हेन डिड ब्रिटिश एनेक्स पंजाब, तो इसका सही आंसर होगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, मार्च 1849। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है आपके पास, द मार्टियल डांस फॉर्म ऑफ पंजाब इज। द मार्टियल डांस फॉर्म ऑफ पंजाब कौन सी है? वो है भागा, बागा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द मार्टियल डांस फॉर्म पंजाब इज बागा, इज द मार्टियल डांस फॉर्म ऑफ पंजाब। बागा इज ऑल्सो नोन एज भांगड़ा, इसको हम भांगड़ा भी कहते हैं। बागा को हम क्या कहते हैं? भांगड़ा भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, बिफोर इंडिपेंडेंस द हाई कोर्ट ऑफ हरियाणा एंड पंजाब वाज सिचुएटेड एट। तो आज़ादी से पहले हाई कोर्ट ऑफ हरियाणा एंड पंजाब जो थी वो सिचुएटेड थी कहाँ पर? लाहौर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, बी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, त्रिगाटा इज द ओल्ड नेम ऑफ विच सिटी ऑफ पंजाब। तो त्रिगाटा जो है वो पंजाब की कौन सी सिटी का पुराना नाम है? तो कौन सी सिटी का पुराना नाम है? ये जलंधर का। तो जलंधर सिटी का जो पुराना नाम था वो था त्रिगाटा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, द रिवॉल्ट ऑफ बंदा बहादुर इन पंजाब टुक प्लेस ड्यू टू द। तो जो रिवॉल्ट था बंदा बहादुर इन पंजाब टुक प्लेस ड्यू टू द, किसकी वजह से हुआ था? तो ये हुआ था रिलीजियस परसिक्यूशन ऑफ सिख्स बाय मुगल्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। लोहड़ी अ फेस्टिवल ऑफ पंजाब इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ डैश एवरी ईयर। तो लोहड़ी जो है जो कि पंजाब का फेस्टिवल है वो हर साल कौन से महीने में मनाया जाता है? तो सबको पता है वो जनवरी महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच फेस्टिवल पीपल ऑफ पंजाब वियर येलो कॉस्ट्यूम एंड फ्लाई काइट्स। तो कौन से फेस्टिवल में पंजाब की पीपल येलो कलर की कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं और पतंग उड़ाते हैं? तो सबको पता है बसंत पंचमी के दिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग एनेक्स द पंजाब एज ब्रिटिश टेरिटरी आफ्टर द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। तो हु अमंग द फॉलोइंग, आपको नाम बताना है, एनेक्स द पंजाब एज ब्रिटिश टेरिटरी आफ्टर द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, वो कौन थे आपके पास? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर आपके पास बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास पंजाब PSSB कलर के लिए पंजाब हिस्ट्री से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। इसी तरह के मोर इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।